Yeah.그리스야메하고 이슬보와 드리크가 क्योंकि ईस्टर का मुबारक बाद लेना उसको समझना आवश्यक है नहीं तो हम मुझे सुबह मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे फेसबुक पे कम से 300 से ज़्यादा संदेश आ गए कि आपको ईद मुबारक हो मैं सोचता हूँ ये कैसी ईद है ईस्टर को समझा तक नहीं और हमारा एक फैशन बन गया है जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस के बीच में एक ही चीज दिखाई देती है वो सेंटा क्लॉस दिखाई देता है यीशु गायब हो जाता है और जब ईस्टर आता है तो जो पुनर्स्थान गायब होता है तो ईस्टर एग नजर आ जाता है इन दोनों चीजों को संसार ने हमारे से छीन लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं चला हम ख्याल में भी नहीं थे हम इतनी होश में नहीं थे कि तमाम कमर्शियल बिजनेस एंटरप्राइजर ने सारे की सारी चीजों के बीच में हमारे दोनों त्योहारों का रंग ही बदल डाला और हम उसी नशे में समझते हैं कि ठीक है और इसी तरह से मैंने बहुत से चर्चे देखे हैं ईस्टर के रोज वो अंडे ढूंढते हैं वो दिन छुपा कर रखे होते हैं जिसको कहते हैं ईस्टर एग और दूसरी तरफ क्रिसमस के दिन क्या ढूंढते हैं कि सेंटा क्लॉस कौन क्या छोड़ के गया देने वाला यीशु मसीह है ढूंढते हो सेंटा क्लॉस से कमारे हमारी बुद्धि को पागल कर दिया है क्योंकि हमको वचन से मालूम नहीं था इंसान तड़प रहा है मृत्यु हर मनुष्य को आ रही है दुख हर एक मनुष्य को आ रहा है यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई जिसके अंदर यशाया नबी अपने 25वें चैप्टर में उसकी 8वीं आयत में कहते हैं यशाया 25 और उसकी 8वीं आयत में वो कहते हैं कि वो मृत्यु को सदा के लिए लोप कर देगा और सबके आंखों के आंसू पोंछ डालेगा क्योंकि मृत्यु के कारण जब हमारे अपने चले जाते हैं तो हमारे को आंसू आ जाते हैं आंसू उनके जाने से भी आते हैं और आंसू इसलिए भी आते हैं कि मेरा क्या होगा मैं भी मरने वाला हूं तो इसलिए भविष्यवाणी में कहा गया परमेश्वर की योजना के मुताबिक बहुत साल पहले कह दिया कि वो दिन आएगा प्रभु की योजना के मुताबिक कि मृत्यु लोप हो जाएगी और हर एक के आंखों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे लेकिन इसको हम देखे हुआ कैसे भविष्यवाणी की क्या वाक्य पूरी हुई इसको गौर करना पड़ेगा तो जब हम पहला करंथियों उसका 15वां उसकी 53 आयत में 53, 54, 55, 56 इन सारी आयतों में चले गए 53 से 57 तक उसमें लिखा ये आवश्यक है ये आवश्यक है कि नाशवान अविनाशी को पहन ले और मरण हार अमरता को पहन ले जब नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरण हार अमरता को पहन लेगा तो उसमें उसको जयकार हो जाएगा उसका मृत्यु के ऊपर उसका जय जयकार हो जाएगा और इसी कहा फिर कहा गया ऐ मृत्यु कहां रहा तेरा डंक और कहां रही तेरी विजय और आगे कहा मृत्यु का जो स्टिंग है डंक है मृत्यु का जो डंक है वो पाप है और पाप का ताकत बेवसा है तीन चीजों को कहा गया इधर मृत्यु है इधर पाप है इधर बेवसा है इन तीनों के बंधन के बीच में हम बंधे हुए हैं और जब तक इन तीनों का कफारा नहीं होता उद्धार नहीं होता तो मेरा भी कल्याण नहीं होगा तो जो व्यवस्था में क्या करता है व्यवस्था मुझे वो
पहचान देता है, व्यवस्था आने से मुझे पाप का ज्ञान होता है। व्यवस्था किसको दी गई? व्यवस्था उनको दी गई जो कमजोर थे और पाप की जिंदगी के अंदर थे। जब मूसा की व्यवस्था आई उसमें सब लोग पाप थे, मृत्यु के बीच में फंसे हुए थे, पाप के अंदर थे और कमजोर थे। ऐसी अवस्था के अंदर व्यवस्था किनको दी? जिनकी वीक नेचर है, जिनकी ह्यूमन नेचर, जिनका आदमी की फितरत कमजोर है और पापमय है। अगर पापमय के ऊपर अगर आप उसकी व्यवस्था देते हैं तो व्यवस्था क्या करेगी? व्यवस्था हमारे पाप को एक्टिवेट कर देती है। पाप में तो थे, अब पाप जागृत हो जाता है। जब पाप जाग उठता है तो पाप फिर आगे क्या करेगा? पाप का बल जो है, जो तो व्यवस्था से आया और वो मृत्यु को देखता है क्योंकि मृत्यु उसका डंक बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसने कहा, उसने मरणहार को अमरता को पहन लिया और उसने नाशवान को अविनाशी को पहन लिया। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के आने से मृत्यु को खत्म कर डाला। अगर मृत्यु को समाप्त कर डाला तो फिर उसके बाद व्यवस्था शिथिल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, हट जाती है, क्योंकि अब मृत्यु हमारे पास नहीं रही। अब दूसरी बात यह है, अगर इसके मुताबिक देखा जाए, इसके सबूत कहां पर है? हम कहते, मैंने सुना गुजरात में पास्टर कह रहे थे, आज का दिन यीशु मसीह कब्र से निकल चुके हैं। एंटी ग्रेव होना कोई सबूत नहीं है। एक मैं बसाव देता हूं, 1963 में 1963 के अंदर एक अश्वेत चर्च के अंदर किसी श्वेत ने गोलियां चलाई और वहां पर एक लड़की को मार डाला। जब लड़की मर गई 1963 में उसको दफन कर दिया गया, कब्र में रख दिया गया। तो उसके अश्वेत माता पिता हर साल आते थे, कब्र के ऊपर निशान लगा था, सारा कुछ करते थे। फिर उनका दिल नहीं लगा 1996 में, उन्होंने कहा हम यहाँ से उसकी अस्थियां निकाल लेंगे और दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर ले जाएंगे अपनी बेटी की। जब उन्होंने कब्र खोदी उसके अंदर हड्डियां ही नहीं थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। अब ऐसी दुर्गा में सवाल उठता है, उस लड़की का क्या हुआ? वो कहां चली गई? उसकी सबूत नहीं मिल रहे। ये हो सकता है जो क्रूस डाला हो उसके ऊपर वो गलती से किसी और जगह पर डाल दिया, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर नहीं। या हो सकता है चर्च के रिकॉर्ड में जो नंबर दिया था उस नंबर में उस लड़की को दफन नहीं किया। काफी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लड़की रिजल्ट हो गई मुर्दों से जी उठी, क्योंकि खाली कब्र का होना कोई सबूत नहीं है रेजरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर खाली कब्र का रेजरेक्शन होना सबूत नहीं है तो फिर मुझे कहां से उसकी गवाही मिलेगी जिसे मैं यकीन कर सकूं कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे? साइंस के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर चीज को देखा जाए तभी हम उसे मानेंगे। अब डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, उसमें साइंटिस्ट कहा थे, डायनासोर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके फॉसिल जो है, उसकी जो हड्डियां है उसका विश्लेषण करते करते किसी जमाने में डायनासोर हुआ करता था। एविडेंस क्या है? हमें देखा नहीं, लेकिन उसकी हड्डियों से हम प्रमाण निकालते हैं कि परिणाम यह है कि कभी डायनासोर होता था। अब बीमारियां आती हैं, किसने देखी कहां से बीमारी आती है? सिर्फ उसके सिम्टम, उसके निशान हमारे पास होते हैं। हम तो सिर्फ निशान का एग्जामिनेशन करते हैं, हम उसको परखते हैं, परखकर उसका इलाज करते हैं। इसका मतलब बीमारी को किसी ने देखा नहीं, देखा किसी ने देखा कि कैंसर कैसे आ रहा है? कैंसर को किसी ने नहीं देखा, टीबी को किसी ने नहीं देखा, फ्लू को किसी ने नहीं देखा। सिम्टम देखते हैं, सिर्फ महज उसके निशान देखते हैं। और इसी तरह से जहां कहीं हत्या हो गई हो
और हत्या को किसने ना देखा हो, लेकिन वहां पर बड़े सबूत मिल जाते हैं, उन सबूतों से परिणाम निकाल लेते हैं कि इसकी हत्या की, वहां पर कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाते हैं। तो साइंस के मुताबिक ये है, अगर कोई चीज दिखाई ना दे तो उसके जो लेफ्ट ओवर एविडेंस है उसे परिणाम निकाल सकते हैं कि यहां पर कुछ हुआ था। इसी तरह से यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, कब्र खाली है और हमारे पास परिणाम कुछ नहीं है, और उसके परिणाम होने चाहिए, क्योंकि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया था तो क्रूस पर चढ़ाते समय उसको बताया गया कि इतनी जालिमाना तरीके से इतनी बेरहमी से क्रूस पर चढ़ाया था, उसकी पीठ पर जब कोड़े मारे गए थे तो उसका खून इतना निकल गया था कि वो उसकी पीठ सीधी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जब उसमें से मांस छिप देता है आपके हाथ में एक छोटी सी चोट लग जाए तो 15 दिन तक आपको दर्द रहती है और वो निशान देख करता है। तो इसी तरह से यीशु मसीह की जिसकी पीठ पर कई बार से हड्डियों के निकाल निकाल के उसके अंदर से सारा खून निकल गया, जब उसके अंदर आपको वो नैमिक हो गया, उसके बाद उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था। इसका मतलब कि दूसरा एविडेंस, जब उसको कीलों से काटा गया तो उसके लोग कहते उसके हाथों में कील मारे गए, ऐसा समझते आप, क्योंकि हम नहीं कहते, हमारे को फोटो बताती है जो चर्चिस ने बनाई है, उसके हाथों पर कील डाले गए, उसके हाथों पर कील डालते तो अगर बाते को रोता तो एक टूट कर एकदम नीचे गिर जाते प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसके कील यहाँ पर मारे गए, इस जगह पर इसलिए मारे गए कि ये लॉक हो जाता है, अब बॉडी जो है उससे नीचे आ नहीं सकती, और जब नीचे आते नहीं, आप देखिए जब आपकी हड्डी के ऊपर थोड़ी चोट लगती है कोनी के ऊपर तो कितना करंट लगता है, तो यहाँ पर सारे करंटों का सारा सेंटर है, जब इसमें लगता है सारी जिंदगी भर कभी हाथ खेल नहीं सकता, और उसके अंदर इतनी पेन होती है, और उसके लिए अंग्रेजी को शब्द नहीं मिलता था कि क्या कहा जाए, इसलिए उन्होंने एक शब्द निकाला एक्सक्रूसिनेशन, यानी कि क्रूस से जो पेन निकलती है उसको कहते हैं एक्सक्रूसिनेशन, वो एक्सक्रूसिनेशन वहां पर पेन, उसके पाप के ऊपर भी उसके पाप के यहाँ पर नहीं मारा गया, उसके यहाँ पर नीचे जो पुतली के पास मारा गया वहां पर भी जंक्शन है इसी का, वो भी इनके इतने ज्यादा नर्व सिस्टम है कि एक बार वहां पर गिर चला जाए आप 36 ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक से करा ले उसका कम पाप ठीक नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता, सारे नर्व सिस्टम ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसकी पहला एविडेंस है कि वाक्य को मरा नहीं कि नहीं मरा, तो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि उसका कोई चांस नहीं कि बच सके। दूसरी बात, जब ये दोनों हो गए फिर उसके बाद उसकी साइड को पर भाला मार दिया ताकि उसके हृदय से पानी और खून दोनों निकल गए। जब निकल जाते हैं तो फिर आपको गुंजाइश नहीं रहती कि उसकी सांस की नाड़ियां जो है उसका सांस चलता होगा, क्योंकि सांस और फेफड़े के बीच में से दोनों में से छिड़के जाता है, जब छिड़के जाता है तो अब उसका शुक्ति है कि अब वो बच नहीं सकता किसी भी सूरत पर। कुछ लोग कहते हैं कि उसको क्रूस पर लटकाया था, वो अपना बेहोश हो गया थोड़ी देर के लिए, और इसलिए फिर बाद में उसकी बॉडी को उठाया, वो जिंदा हो गया और फिर कश्मीर में चला गया और वहां पर जाके उसने राज किया और फिर उसके बाद मर गया। उसकी कब्र कश्मीर में है, मैं श्रीनगर में रहा, मुझे नहीं पता उसकी कब्र तो है नहीं, लेकिन किसी कुत्ते की कब्र हो सकती है। लेकिन ये एंटियोक का ऐसा बयान था कि यीशु मसीह मरा नहीं था। इस्लाम की तरफ से वो कहते हैं कि क्रूस पर जब चढ़ाया गया उस पर प्रभु ने किसी उसकी हमशक्ल का कोई दूसरा इंसान जो उसकी तरह देखता था उसको चढ़ा दिया। इसको कहते हैं सून थ्योरीज, यानी कि सब्स्टिट्यूशन। हमारा प्रभु कोई इतना जालिम नहीं कि झूठ बोले और उसकी जगह यीशु मसीह की जगह उसका दूसरा शक्ल कर लगा दे, क्योंकि वो लोग इसको मानना नहीं चाहते। सबूत ये है वो क्रूस पर मरा, अब मर गया तो दफन हो गया, और दफन भी किसने किया, जब उसके बाद जोसेफ ऑफ अर्मेथिया
और निकोडिमस इन दोनों ने उसकी लोथ को लिया लोथ लेने से पहले और उसके कहा गया पायलट से कि इसकी लोथ निकाल देते हैं क्योंकि हम सारी जान लगा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा प्रताप है। ऐसी अवस्था में जब उन्हें लोथ ली लोथ लेने वाले सैनहेड्रिन के मेंबर थे यानी कि दूसरे नहीं थे शागिर्द नहीं थे सैनहेड्रिन के मेंबर थे और उन्होंने उसको कवर में रखा अपनी कवर में नई कवर में और कवर ऐसी होती है कि जिसको कोई आदमी आसानी से हटा नहीं सकता रोल किया जाता है पत्थर उसके ऊपर उन्हें रख दिया। तो दूसरा इतिहासकार यूजीनियस यूजीनियस कहते हैं कि यीशु मसीह को कवर में डाला गया उसको मारा गया वो इसका और यूजीनियस कोई क्रिश्चियन नहीं है वो यहूदी इतिहासकार है यहूदी इतिहासकार होने के कारण उसके वो एविडेंस दे देते हैं कि वो सचमुच मरा। अब ये कहा गया कि जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे उसका फॉर्म गवाह था किसने देखा चारों अंजील नहीं देखे हैं कभी कहते मरियम मगदलीनी ने देखा कभी कहते दो बहनें थी उन्होंने देखा कभी कहते वहां पर रोमी और दूसरी थी उन्होंने उसको खाली कब्र को देखा रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखा इसका तो सबूत नहीं क्योंकि औरतों की गवाही को गवाही मानते नहीं थे यहूदी कि उनकी विटनेस की कोई वैल्यू नहीं है वो जमाना था उस वक्त। अभी तो प्रभु का धन्यवाद है औरतों की गवाही अब पूरी मानी जाती है ये बड़ा इंकलाब हुआ उसके बाद। तो इस तरीके से जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे सचमुच किसी ने नहीं देखा कोई कब्र भी नहीं था किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि उसका जिस्म हिल रहा है कपड़ा निकल रहा है ऊपर उठ रहा है और जा रहा है। सो वी हैव नो आई विटनेस जब हमारे पास गवाही नहीं तो हमारा फेस वहां पर जाएगा क्योंकि हमारा विश्वास जो है उन गवाहों के ऊपर चलता है और विटनेस हमारे पास है नहीं। ऐसी अवस्था में पौलुस रसूल जो अपने पहला करिन्थियों 15 बाब की 3-5 आयतों 8 आयतों में जिक्र करते हैं और उन्होंने कहा कि जो बात मुझे दी गई वही मैं आपको दे रहा हूं यानी कि सबसे पहली जो पत्री लिखी गई वो पहला पत्रस पहला करिन्थियों है यानी कि इसकी डेट भी 55 साल के पास है 55 के अंदर यीशु मसीह की मृत्यु 30 साल में होती है 30 और 55 के अंदर 25 साल का फर्क पड़ता है 25 साल के अंदर आदमी कथा कहानियां बना लेता है वो ऐसा था वो ऐसा था उसको लीजन बना देते हैं। अभी हमने देखा कि लीजन तो नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके अंदर कहते हैं जो बात मुझे मिली वो मैंने आपको दे दी यानी कि इसका मतलब है इससे पहले एक क्रीड चल रही थी एक अकीदा। आप जब यूसुफ का अकीदा पढ़ते हो ना कि नाइसिन क्रीड और अपोस्टल क्रीड जो ये क्रीड तो बाद में आई है सबसे पहली क्रीड तो ये है जो पहला करिन्थियों 15 बाब 3-8 आयतों के अंदर है जिसके अंदर ये कहा गया कि जिसने पूरे संक्षेप में कहा जो बात पर मुझे मिली मैं आपको तो बता रहा हूं कि प्रभु के वचन के अनुसार यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और इसी के वचन के अनुसार तीसरे दिन वो मुर्दों से भी उठा और कहा जिसके हम गवाह हैं वी आर विटनेस हमने देखा उसने कहा सबसे पहले कैफा को दिखाई दिया फिर उसके बाद 12 को दिखाई दिया फिर उसके बाद 500 को दिखाई दिया फिर उसके बाद याकूब को दिखाई दिया अंत में सारे प्रेरितों को दिखाई दिया लास्ट में मुझ अभागे मनुष्य को भी दिखाई दिया जब मैं दमस्कस की रोड पर जा रहा था। और उस शिशु क्या कहना चाहते हैं कहते कि जो बात अंजीर सुसमाचार की मैं बता रहा हूं वो मेरा बनाया हुआ अंजीर नहीं है मेरा सुसमाचार ने मुझे भी दिया गया। गलतियों की किताब उसका पहला चैप्टर 18-19 आयतों में जिसमें पौलुस रसूल कहते हैं
जब वो दमस्कस में उनका कन्वर्शन हो गया, यीशु मसीह दिखाई दिए और उसके बाद कहते मैं 3 साल के बाद ये सुन गया, कन्वर्ट कब हुए होंगे वो? यीशु मसीह के मरने के 5 साल के अंदर अंदर पौलुस रसूल कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जब वो बन चुके हैं और वो कहते मैं 3 साल के बाद क्या यरूशलम, इसलिए कि मैं भी पढ़ना चाहता था कि कोई आई विटनेस है, कोई ऐसी गवाह है जिन्होंने खुद देखा हो, ताकि मैं अपने उस रोया को उसको पक्का कर सकूं कि वाकई यीशु मसीह को देखा है। तो आई विटनेस जो है हमारे पास, उसने कहा कि वो सिर्फ 2 आदमी को मिला, एक पत्रस को और याकूब को। उसका नाम पत्रस नहीं लिखा, वहां पर लिखा कैफा। कैफा क्यों लिखा? क्योंकि कैफा नाम जो है अरेबिक में है और अरेबिक के नाम का मतलब है हिब्रू भाषा से पहले जो भाषा यूनानी की थी उसको अरेबिक कहते हैं, यानी कि ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, पुराना जो उसका लिटरेचर है जिसमें से यही निकला पुराने जमाने में। तो कैफा को दिखाई दिया, 12 को दिखाई दिया और 500 को जब सब इकट्ठे थे। अब प्रश्न उठता है, ये सब के सब क्योंकि प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, इनको ऐसे हैलुसिनेशन हो गया। हैलुसिनेशन क्या होती? माया। मैं देखता कुछ नहीं, मेरे मन में दिखाई देता है, जैसे किसी का कोई प्रिय मर जाता है तो उसको ऐसे ही दिखाई देता है अगले दिन भी कि मैं देख रहा हूँ, इसको कहते हैलुसिनेशन। तो लगता है कि ये इतने दुख में है कि इनको हैलुसिनेशन हो गया, इनको ऐसा लगा माया के अंदर आ गए। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर किसी को हैलुसिनेशन हो जाए, वो सबको एक ही जगह पर एक बार नहीं हो सकती, 500 को कैसे हैलुसिनेशन हो सकती है? हर आदमी का अलग अलग हो सकता है। 500 का होना गवाह देता है वो उनकी कल्पना नहीं थी, माया नहीं थी, सचमुच यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, उसकी अपीयरेंस आई। और कहता अभी भी उनमें से बहुत से जिंदा है, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो मुझे जाकर पता कर लो। दैट इज एविडेंस ऑफ द ग्रीक के अंदर उसकी सॉलिडिटी आती है, उसकी पाकुता जगह आती है कि अभी भी जाकर पता कर लो। वो उनमें से कुछ लोग सो गए हैं, कुछ अभी भी जीवित हैं, वो बताएंगे कि हमने यीशु मसीह को देखा, हमारा कोई ऐसा ख्याल नहीं था। तो पहला जो नाम और उसका पहला बाप, उसकी 1 से 2 आयतों में फिर जिक्र करता है। उस भी कहते वो जीवन का जो वचन था उसको हमने देखा, हमने छुआ, हमने उसका अनुभव किया, वो हमारे साथ रहा। We are the eyewitness। क्योंकि अगर ये eyewitness ना होते, कल्पना में चलते, तो कल्पना में होने से एक बात तो है कि यीशु मसीह अगर मुर्दों से जी उठते हैं, अगर उनके ऊपर अलौकिक पावर से प्रभु उनको जीवित नहीं करता, अगर वैसे बेहोश होते तो लगड़े होते, टूटे होते और चल नहीं सकते, और फिर जाके ये नहीं कहते इमाउस की रोड पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नहीं कहते बंद दरवाजे में जाकर अपने शिष्यों को दिखा दे कि मैं आ गया हूँ, शांति तुम्हारे को मिले। क्योंकि अगर हमारा ईमान उनके शिष्यों का अगर उनकी कल्पना के ऊपर है, अगर उनकी फिक्शन के ऊपर है, तो वो जल्दी से उसका पीछा नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा उस्ताद, ऐसा प्रभु जो चल ना सकता हो, जो उठ ना सकता हो, जो आगे ना बढ़ सकता हो, वो झूठी चीज के ऊपर कब तक रहेंगे? इसीलिए जब यीशु मसीह मरे, सारे के सारे शिष्य तो तितर-बितर हो गए, सब ने अपना अपना धंधा शुरू कर दिया, कोई मछली पकड़ने चला गया, कोई कुछ करने चला गया, सबको पता है अब खेल खत्म हो गया। सोचा था कि यीशु मसीह राजा बनेगा, हमारे साथ होगा, सल्तनत का राज्य आएगा, रोमन सरकार गिर जाएगी, सब कचरा कर दिया उसने, मर गया और दफन हो गया और वो भी वापस चले गए। लेकिन वो शिष्य अगर वो कल्पना में होते, अगर काल्पनिक तौर पर कहते कि नहीं हम उसके चेले हैं, वो मुर्दों से जी उठा, कथा कहानियां बना लेते। बहुत से लोग हैं, कोई मर जाता है बाद में कहते ये तो बड़ा पावर शक्ति था, इसके सिर के ऊपर तेज आता था, इसके पास ये सामर्थ्य थी, वो लीजन कहते हैं।
मिथ कह देते हैं, कथा कहानियां कह देते हैं। हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवना क्या कथा कहानी थी या सच्चाई थी, क्योंकि अगर कथा कहानी होती तो फिर उसके बाद उसके शिष्य अभी तक जीसस मूवमेंट ना चलाते, ऐसा नहीं करते कि उनके पीछे दुख उठाते, मुसीबत उठाते और यहाँ तक कि जेलों में गए, कोड़े खाए और कई मारे भी गए। कौन है जो झूठ के ऊपर अपनी जान दे सकता है? कोई भी झूठ के ऊपर अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य था, वो मुर्दों से जी उठा, इसलिए ऐसा हुआ। अब हमको चाहिए आई विटनेस, ये गवाह है चश्मदीन जो अपनी आंखों से देखते हैं। अब विश्वास में क्या चाहिए? विश्वास और आशा में फर्क पड़ जाता है। आशा में हमको उसकी विटनेस नहीं चाहिए, हमारी अपनी धारणा होती है, मैं विश्वास कर देता हूँ कि हमारा प्रभु ऐसा 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 है। जो जो सत्य के ऊपर आधारित नहीं है, फैक्ट के ऊपर नहीं है, जो बहुत से लोग हैं मां दिया अपने देवी देवता को, मुझे उनसे कोई इतराज नहीं है, पर उनका विश्वास मिथ के ऊपर है, कथा कहानियों के ऊपर है, पुराणों के ऊपर है और उन बड़े बड़े शास्त्रों के ऊपर जहाँ पर बयान करता है, जिनके सबूत नहीं, जिनको हम मिथ कह देते हैं, लीजेंड कह देते हैं, और इस लीजेंड के ऊपर जो चलते हैं उसको आशा कह देते हैं। और फेथ जो होता है, विश्वास जो है वो आशा यानी कि मिथ पर नहीं चलता, विश्वास जो है वो फैक्ट पर चलता है, सबूत पर चलता है, सत्य के ऊपर चलता है। इसलिए ये शिष्य कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा और हमने उसको छुआ और उसके साथ खाया, इससे बड़े सबूत क्या हो सकते हैं? उनका प्रभु मर गया था, कोड़े खाए थे, शरीर चरनी हो गया था, हाथ और पांव खत्म हो गए थे, तो प्रभु की शक्ति से पूरा जी उठा, इसलिए इसको रेजरेक्शन था। यही तो यशाया कह रहा था, यशाया नबी अपनी भविष्यवाणी में कह रहा था, वो दिन आएगा जब मृत्यु खत्म हो जाएगी, जब मृत्यु खत्म हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारे आंखों के आंसू भी पहुंच जाएगा। और अभी तक इतिहास में कोई ऐसा नहीं आया जिसने हमारे आंखों के आंसू पहुंचे हो। आंसू पहुंचने वाला पहले मृत्यु को खाए, जो मृत्यु को खाएगा वो जो जीवन करेगा वही प्रभु होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु है, हमको मृत्यु के बंधन से कौन छुड़ाएगा, हम अभागे हैं। तो ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए एक मुक्तिदाता बनकर आए, जिन्होंने प्रभु की ताकत से जिसको शिष्यों को पहले कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, पर किसी शिष्य को यकीन नहीं होता था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं पुनर्स्थान नाम की कोई चीज है, क्योंकि ये अनुभव नहीं है मनुष्य जाति का, मनुष्य की नेचर का हिस्सा नहीं है। इसलिए जब ये पौलुस रसूल जाते एथेंस के अंदर, एक्स और अपोस्टल चैप्टर 17 के अंदर, वहां पर जब जाकर बहस करते हैं लोगों के साथ, वहां पर उनसे बात करते हैं, वो प्रूफ नहीं मांगते, वो फिलॉसफी मांगते हैं, उनको सबूत नहीं चाहिए। और पौलुस रसूल उनको सबूतों से ही कहता है, और बाद में ये भी कहता है, जिनकी तुम पूजा करते हो अननोन गॉड, तुम्हें मालूम है वो कौन है? ये वो है यीशु मसीह, जिसकी मैं मनादी करता हूँ, जिसका प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ अनुभव किया है। तो इस तरह से जब आई विटनेस हमारे पास है, जो गवाह हमारे पास है, जो सबूत देते हैं और उनके रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर पड़े हैं, और दूसरी बात ये जो ग्रीड है जिसके ऊपर हम बैंक करते हैं, जो कि पहला क्रंथियों 15 बाद की 3-5 आयत में दिया गया, अगर इस ग्रीड की फिर कब हुई? यीशु मसीह के मरने के यानी कि 33 साल की उम्र में, उसके बाद लोगों के पास कोई किताब नहीं थी, कोई अभी तक धर्मशास्त्र पढ़ा नहीं था, अभी तक कुछ नहीं था, मुंह से बोला जाता था, लिटरेचर होती थी, सब ने कहा हमने यीशु मसीह को देखा, सब ने कहा कि वचन में लिखा था वो मारा जाएगा, वो गड़ा जाएगा, वो मुर्दों से जी उठेगा, क्योंकि यशाया की नबी में सारा सबूत दिया था उसके 53 चैप्टर के अंदर, के उसके ऊपर सारे गुनाह ला दिए गए, उसकी 6 आयत में
पूरा का पूरा चैप्टर जो 12 की 12 आयतें इस बात का सबूत देती है कि यीशु मसीह ने मृत्यु हमारी ली और जीवन हमें दे दिया। उसने अपने ऊपर मृत्यु ले ली, जीवन हमें दे दिया। और ये जो सबूत जो है जब हमारे सामने आते हैं तब हमारे विश्वास की बुनियाद बनती है। मेरा फेथ कब पैदा होता है? जब मेरा फेथ सच्चाई पर होता है। और बहुत से लोग हैं उनका भी फेथ है, उनका फेथ किस्मत है, मिथ्या पर, कहानी पर, उनके रीजन के ऊपर, उसके ऊपर आधार करते हैं। और ऐसी आधारशिला ऐसी है जैसे रेत के ऊपर मकान बनाया जाता है, जब आंधी आती है, जब तकलीफ आती है, वो गिर जाता है। और जो चट्टान पर जिसका विश्वास बन जाता है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, वो कभी गिरेगा नहीं। इसीलिए पौलुस सूली पर चढ़ाए गए, पत्रस सूली पर चढ़ाए गए, याकूब को उसका गला काट दिया गया, बड़े बड़े इतने बड़े बड़े। और अगली चर्च के अंदर शुरू में ही जैसे परसिक्यूशन शुरू हुआ, सताव शुरू हुआ, हजारों क्रिश्चियन सूलियों पर चढ़ाए गए और हंसते हंसते जाते थे। क्यों? उनको पता है मृत्यु खत्म हो चुकी है, जीवन आ चुका है, उनके अंदर ईश्वर जन्म ले चुका था, उनके अंदर एक कुदरत और ताकत आ चुकी थी। इस ताकत से वो आगे बढ़ते थे। इसलिए कहा वो फिर जो उनका है, जो विश्वास उनका है, इसलिए इसमें कहा गया योना की झील के पहले बाब के अंदर और उसकी 12 आयत में कहा गया, पहले योना 1 और उसकी 12 में कहा गया कि जो जिस किसी ने उसे स्वीकार किया, जिस किसी ने उसको स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया, उसने उसे अपना पुत्र यानी अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। इसका मतलब कौन सा विश्वास था? ये वो विश्वास है जो रसूली विश्वास था, जो अपोस्टल पर था, जो फैक्ट के ऊपर आधारित था, मिथ्या के ऊपर नहीं था। ये मेरा विश्वास नहीं है, ये सच्चा वो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों के से जी उठने से हमारे पास आता है। तो इस तरह से योहन्ना की इंजील में बताया गया और उसके बाद रोमियो के खत के अंदर उसके 8 बाब में ये कहा गया, उसकी 14 आयत में उसने कहा जो आत्मा से चलाए चलते हैं, जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, दे आर द सन्स ऑफ गॉड। और आत्मा से कब चलाए जाएंगे? जब मेरा आत्मा परमात्मा के साथ विश्वास से मिलन होता है। मेरा आत्मा कभी नहीं जागेगा जब तक मैं आत्मिक नहीं हूँगा। जब तक मैं प्राण में रहूंगा तो मेरा दिमाग काम करेगा, मेरे दिमाग का विश्वास नहीं काम करता, मेरा सेरिब्रल सिस्टम का विश्वास नहीं करता। जो दिमाग का विश्वास है वो आधार करता है इन चीजों पर जिसको मैं देख सकता हूँ, जिनका अनुभव करता हूँ। इसको कहते हैं कॉग्निटिव नॉलेज, वो नॉलेज, वो ज्ञान जो वस्तुओं को देखकर, मेरी इंद्रियां देखकर उस ज्ञान को समझती है। तो इसलिए वो ज्ञान जो है, जो कॉग्निटिव है, उससे नहीं, वो ज्ञान है जो सच्चाई के ऊपर बेस करता है। और सच्चाई का जो बेस करता है वो हृदय में वास करता है, वो यहाँ से नहीं निकलता, वो विश्वास हृदय से आता है। किसी का जो आत्मा से चलाए चलते हैं, आत्मा से वो चलेंगे जो विश्वास में आए, जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है। और फिर आगे 16 में कहा पवित्र आत्मा यानी कि उसकी आत्मा खुद इस बात का हमारे को गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो अगर हम 15 में जाते हैं, उसने कहा मैंने तुझे फिर से गुलामी की वो आत्मा नहीं दी कि तू डर के अंदर रहे, मैंने तुझे मतवरना मैंने की लेपालक होने का मैंने वरदान दिया, इसीलिए तुझे पिता कहता है। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बेटा और पुत्र का नहीं अब पिता का नहीं होता, बेटी का पिता के साथ नहीं होता, वो कभी नहीं उसे पिता कहेगा। इसलिए जो लोग आशा में होते हैं, जिनका विश्वास रीजन पर है, वो प्रभु को प्रभु कहते हैं, पिता नहीं कहते। पिता को तभी कहेंगे जब रिश्ता हमारा बन जाएगा, लेकिन जब ये विश्वास मेरे अंदर आता है तब मैं उसे पिता कहता हूँ। और इसी कहा तो तुम अब लेपालक हो। और फिर सारा इसने कहा कि चूंकि हम उसकी संतान है,
इसलिए हम प्रभु के साथ उसके उसके वारस है, ज्वाइंट वारस है, यीशु मसीह के साथ है। इसलिए अगर हम उसके साथ दुख भी उठाते हैं तो हम उसके साथ महिमा नहीं पाएंगे ना। इस वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दुख उठाएंगे, ये असेंशियल पार्ट है। मसीह जीवन में दुख उठाना मसीह के लिए इंडिस्पेंसिबल है, इसको छोड़ नहीं सकते। और जब ये अनुभव आता है तो उसके साथ उसकी महिमा प्रकट होती है। और इस तरीके से जो विश्वास जो हमारा है प्रभु यीशु मसीह के इस आधार पर बनता है कि उसकी आई विटनेस से, उसकी सबूत से, जिसको हमने देखा और परखा और हमारे साथ है। तो ये तमाम जब हम ईस्टर की बात करते हैं हमें देख रहे हैं कि हमारा विश्वास पैदा कहाँ से हो रहा है। मेरा विश्वास क्या ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं शायद बाइबल को पढ़ते नहीं है, इसलिए नहीं कि उनको पढ़ने का शौक नहीं, कईयों को तो इतनी मिली नहीं, ज्ञान नहीं मिला, स्कूल में जा सके पढ़ नहीं सके, लेकिन उनके कान थे, सुनते थे। और इसका मतलब कि ज्ञान जो था वचन से आ जाता था, विश्वास सुनने से आता था। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से आता है। इसलिए रोमियों के खत के 10 बाब में सारा आयत में इसका जिक्र किया गया है कि वचन हर विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से। प्रभु का वचन वो है जो सत्य के ऊपर आधारित है, कथा कहानियों पर नहीं है। अब जब कथा कहानियों पर आ जाएगा उसको हम रिलीजन कह देंगे, और जो रिलीजन पर आधारित है तो उनका फिर प्रभु यीशु मसीह क्रिसमस के वक्त में सेंटा क्लॉज हो जाएगा और ईस्टर के वक्त में ईस्टर एग बन जाएगा, क्योंकि उनका मिथ्या के ऊपर है, सच्चाई नहीं जानते। और इसलिए कहा कि ये जो व्यवस्था है इसको प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है। क्यों नाश कर दिया है? क्योंकि कहा था कि व्यवस्था एक ही काम करेगी, व्यवस्था का एक ही काम है कि वो हमको पाप का एहसास दिलाए। मूसा की व्यवस्था हमारे को मोक्ष देने के लिए नहीं आई थी, अगर मोक्ष देने आती तो फिर उसको बदलने की आवश्यकता नहीं थी, ये कमजोर थी, इसके अंदर त्रुटियां थी। इसलिए उसने कहा कि ये व्यवस्था जब मेरे अंदर आती है मेरे को पाप में जागृत कर देती है और पाप को ताकत मिलती है। पाप को ताकत कहाँ से मिलती है? पाप की ताकत व्यवस्था है। और इसलिए मैं साधन से कह रहा हूं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है। Those are in Christ Jesus, they are not under the law. अगर आप व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे तो व्यवस्था सिर्फ आपको पाप याद दिलाती रहेगी, इट विल मेक यू स्टिल रॉन्गली, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए उसने कहा व्यवस्था जो है वो पाप दिलाती है, पाप को ताकत देती है, और पाप का एक ही काम है मृत्यु का धन, मृत्यु का डंक लगता है। और फिर हम चाहे जितना कहें कि हम मसीह को स्वीकार करके व्यवस्था के अधीन हो जाएं, व्यवस्था के अधीन होने के बाद आपने उसकी तमाम अनुग्रह को खारिज कर दिया, उसकी सामर्थ चलेगी और फिर हम सेल्फ राइटियसनेस के अंदर अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे धार्मिक बनाएंगे तो फिर हमारा रिजल्ट आज यूरोप के अंदर चले जाए। मैंने यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्री देखी है, मैंने देखा वहाँ पर क्रिसमस फेस्टिवल इतना बड़ा होता है जिसमें क्राइस्ट गायब हुआ होता है, दुकानें सही होती हैं, देखो जुराब लगी हुई है, कोई दस्ताना लगा हुआ है। अरे यीशु मसीह का मेरे मौजे से क्या ताल्लुक है? अजीब किस्म की हरकतों कर देते हैं, हमारे दिमाग खराब कर देते हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ कि इस पेड़ के नीचे फल लगते हैं, ये सेंटा क्लॉज देके गया। जो पेड़ होता है वो फल क्यों नहीं देता? हम उसके नीचे रख देते हैं। और इसी तरह से इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि जो फल है वो यीशु मसीह जाता है, और यीशु मसीह मेरे अंदर सीड है। अगर मेरे अंदर वो बीज है तो फिर मेरे अंदर उसके फल भी नजर आएंगे, और जब फल नजर आते हैं तो फिर मैं ना ईस्टर के एग को और ना क्रिसमस के उस जरा मोजे और सेंटा क्लॉज को फिर मैं कहता हूँ है कि ईस्टर क्या, क्योंकि मेरे अंदर वो ईस्टर आ चुका है, मेरे अंदर वो जन्म ले चुका है, मेरे अंदर रिवाइव कर चुका है। अब मैं ना रहा, अब मसीह मेरे अंदर है।
क्योंकि उसने गलतियों की इकरार के 3:20 आयत में कहा, अब मैं श्री क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जिंदा हूँ तो मैं शरीर में जिंदा नहीं हूँ, अब अगर मैं जिंदा हूँ तो प्रभु मेरे अंदर जिंदा है। सो क्राइस्ट लिवर मी, जब क्राइस्ट मेरे अंदर जिंदा है तो समझिए जैसे उसका शरीर पारदर्शी हो गया था, जिसका शरीर दीवारों के बीच में निकल जाता है, जिसका शरीर हर रुकावट को दूर कर जाता है, वो शरीर का सामर्थ का प्रॉमिस हमें दिया गया है, अगर तुम उसमें गाड़े गए हो तो उसके साथ जीवित भी किए जाओगे। ये रोमियों के खत के 6 के अंदर 2 और 3 आयत में चले जाएं, उसका जिक्र है कि हम मसीह में जब गाड़े गए तो उसकी मृत्यु के साथ गाड़े गए, अब मृत्यु का राज नहीं। अब जैसे यीशु मसीह मुर्दों से जी उठते हैं, वैसे तुम भी उसके साथ जी उठकर नए जीवन के अंदर दाखिल हो जाते हो। अब हमने देखना है हम नए जीवन में आए या अभी भी हमारा पुराना जीवन है। पुराने जीवन के निशान जो है वो गलतियों के खिलाफ में 5 में, जिसमें कहा कि जिसमें सारे उसके 19 से 18-19-20 में उसका जिक्र आ जाता है, उसमें जनाकारी है, झूठ है, प्रेम है, तमाम एक सारा चीजों की लिस्ट दी गई है, वो मैनिफेस्टेशन है, यानी कि पाप जो है एक है और उसके फल अनेक है, और वो अनेक फल क्रिएशन की खराबी दिखाई देते हैं, ये तुम्हारे ऊपर उठने शुरू होते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बीज किसका है, उस पाप का बीज है। पर प्रभु यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक आ गया कि मैंने तुम्हारे अंदर अपना बीज दिया है, सनातन बीज दिया है, अविनाशी बीज दिया है, वो मरने वाला नहीं है। अब नाशवान अविनाशी को पहन चुका है, मरणहार अमरता को पहन चुका है। जब ये बीज तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारे फल भी ऐसे शुरू हो जाएंगे। इसलिए जब फल आ जाए तो फिर जान लेंगे अब व्यवस्था से मेरा कोई काम नहीं है, अब व्यवस्था के मैं अधीन नहीं हूँ। वो मुझे बार बार नहीं, जो व्यवस्था के अधीन होंगे वो बार बार क्षमा मांगेंगे, और जो उसकी व्यवस्था के अधीन है, यीशु के अधीन है, वो हर रोज उसका शुक्र अदा करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारी सोच बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं, और जैसे हम धन्यवाद करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जब चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो हमारे मसल कम काम करेंगे, और जब हम गुनाहों में पड़ जाते हैं तो हमारे अंदर गुस्सा, ईर्षा, द्वेष, तब हमारी शक्ल ऐसे होते हैं बंदर की तरह हो जाती है, ऐसे गुस्सा आता है, जब उसके अंदर ना जाने कितने मसल काम कर देते हैं, सारी शक्ति को छीन बीन कर देते हैं और हमारे अंदर सामर्थ्य देती है। इसलिए कहा जो भी तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे को गुस्सा नहीं दिलाएगा, वो तुम्हारे को ईर्षा नहीं दिलवाएगा, वो तुम्हारे अंदर बाकी काम नहीं करेगा, तुमने कुछ अपने आप नहीं करना, वो ही तुम्हारे अंदर काम करता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन कर दिया है। तुम पहले अपने 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 व्यवहार का परिवर्तन कर रहे थे, व्यवहार का परिवर्तन करते करते थक गए हो, लेकिन जब हमारे मन का परिवर्तन हो जाता है, जब वो बैठ जाता है तो अब ऑटोमेटिकली मेरे से खुशियां निकलती हैं, आनंद निकलता है, सेवा निकलती है, उसकी तारीफ निकलती है, उसकी हमदोसाई होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि वो मुर्दों से जी उठा और उसका सबूत अब मैं हूँ कि यीशु मसीह जी उठा। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आप सबको हैप्पी ईस्टर।